चाय मेरी बन रही है, चले उठाते हैं सुफियान को स्कूल जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक ठाक है। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, आमीन। ये देखिए जी, सुबह का टाइम है, सुफियान चला गया है स्कूल। और यहाँ मैंने जैसे स्कूल गया ना, मैंने बोला चले जी थोड़ी सी सुबह की वीडियो बना लूँ। और यहाँ मौसम देखें, बाहर धूप सुबह सुबह निकल आई है। और जैसे सुफियान के, अभी लाइबा भी सो रही है, उसका भाई भी सो रहा है, बस वो उठेंगे नाश्ता करेंगे। तो चले देखते हैं जी आज क्या होता है। नाश्ता यहाँ पर हो गया, मैंने बोला चले सुबह सुबह लगाते हैं मशीन, थोड़े कपड़े हैं तो यहाँ मैंने सरफ भी डाल दिया है। बाकी मैं अंदर से कपड़े भी सारे ले आई हूँ, ये देखे मेरे थोड़े से कपड़े थे। और आज मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह, मैंने मशीन लगानी है। और मैंने बोला चले जी सुबह का टाइम है, धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, तो लगा लेते हैं मशीन। तो ये देखे जी, मैंने पहले लाइबा के कपड़े डालूँगी, क्योंकि लाइबा के कपड़े पहले डालती हूँ, क्योंकि लाइबा के कपड़े ना मैं बाद में नहीं डालती, तो ये जल्दी धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। चले जी ये गए लाइबा के कपड़े। अच्छा, मैंने कपड़े थोड़े से ही, मैंने बोला था ये धुल जाएंगे बाद में, मेरी कुछ एक दो बेडशीट की चादरें थी, बच्चों के थे, ये लड़कों के थे, थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो आज मैं धो रही हूँ रात के टाइम। और ये देखें मौसम बाहर इतना अच्छा, धूप इतनी तेज़ निकली हुई है ना कि अभी तो मैं धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुझे लग रहा है गर्मी आ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। तो बस ये थी जी, और मैंने बोला चले लगे हाथ मशीन लगा लेते हैं, यहाँ पे फिर कपड़े होते हैं, फिर निकालते हैं, अच्छे से उतारते हैं। बाकी मैंने डाल दिया और ये थोड़े से रह गए, मशीन की बच गई घंटी, और निकालते हैं अपने कपड़े। तो जल्दी से निकालते हैं कपड़े और धोते हैं, सुबह सुबह धो के ना हम डाल देंगे ताकि जल्दी से कपड़े हमारे सूख जाएं। यहाँ पे जी मैंने अपने बेटे को कढ़ा दिया मोबाइल, और मैंने बोला चले जी आप बना लो मम्मा की थोड़ी सी वीडियो। और वो ऊपर मौसम दिखाने लग गया, और फिर हमने दोपहर के खाने का सोचा। फिर दोपहर के खाने में हम सोच रहे हैं जी, कल के चने पड़े थे इसके साथ, फिर थोड़े से चावल निकाले हमने, थोड़े से चावल बना लिए। मैंने बोला चले जी थोड़ा दोपहर के लिए गुजारा करते हैं खाने का, शाम को फिर देखेंगे क्या बनाएंगे। तो यहाँ जी फिर खाने की तैयारी होगी, तो चले जी आपने साथ ही रहना है, गायब नहीं होना, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लिया करें, बहन भाई साथ दिया करें। जो चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका बहुत प्यार होगा। तो यहाँ पर जी चनों को मैं पहले गर्म करूँगी, चावल मेरे तड़के वाले जैसे आप देखते रहते हैं, मैं चावल बनाती हूँ, उसके बाद जल्दी से खाना तैयार करूँगी, फिर अपना जाएँगे बाहर और कपड़े धोएंगे। तो ये जी आज की, मैंने बोला चले अपने बहन भाइयों के साथ ना जल्दी से थोड़ी सी वीडियो शेयर की जाए। बच्चे बस स्कूल से आने वाले हैं, असलान चला जाएगा, सुफियान आ जाएगा, पर इसी तरह सारा दिन बिजी रूटीन चलती रहती है जी। मुझे वो बहनें बताइएगा, आप कहाँ जा रही हो? जंपी कर रही हो? जंपी कहाँ से जंपी कर रही हो? अगर आपको चोट लग जाए तो? चोट लग जाए तो बताओ। तो अभी जी हम, मैं बैठ गई हूँ इधर दरवाजे में, देखे ये देखे इधर, अरे मम्मा भी गिरने लगी थी, अभी मम्मा को पीछे गिराने लगी थी। तो अभी जी हम दरवाजे में बैठ गए हैं, हाँ मम्मा भी गिरने लगी थी। तो जी अभी मैं दरवाजे में बैठ गई, कपड़े देखे अभी मेरे थोड़े से थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कपड़े ज़्यादा कपड़े नहीं थे, आगे नहीं तो हफ्ते को ही धो लेती हूँ कपड़े। आज कपड़े मेरे बहुत कम थे, और मैंने बोला चले जी आज मैं लगा लेती हूँ मशीन, क्योंकि धूप है, धूप में जल्दी कपड़े धुल जाएंगे, सूख जाएंगे। लाइबा मम्मा को आप गिरा दोगे पीछे? तो उसके अलावा कपड़े मेरे धुल गए, खाना वगैरह बनाया, बच्चे सुबह चले गए थे स्कूल और बच्चे आ गए, उसके बाद खाना आपके सामने बनाया, वो खाया हम सब ने। तो बस कपड़े मेरे थोड़े से वो धुल गए हैं, काम मेरा हो गया, और सारा दिन आप यकीन नहीं करेंगे काम कभी ख़त्म नहीं होता। वो बहनें मेरी ज़रूर एग्री करती होंगी मुझसे, जो मुसलसल सारा दिन कामों में बिज़ी होती हैं और काम इनके ख़त्म नहीं होते और बैठती भी नहीं हैं। हाँ थोड़ी देर बंदा टाइम से बैठ जाता है, लेकिन आज मैंने बोला चले जी कपड़े जो हैं वो धो लेते हैं, फारग हो जाते हैं, शाम हो जाएगी, शाम को पता नहीं टाइम मिलता ही नहीं मिलता। तो बस कपड़े धुल गए, चले चलते हैं अंदर, फारग होकर फिर आपको दिखाती हूँ। लाइबा भाग गई अंदर, तो चले हम भी चलते हैं। आप पीछे क्या कर रही हो? अच्छा मैं आ रही हूँ अंदर, यार सारे धो लिए, तारों पे मैंने डाल दिया, वाइपर मैंने लगा दिया है, बाकी मेरे कपड़े देखे थोड़े से थे, जल्दी मैंने धो लिए, ज़्यादा होते ना तो पता नहीं क्या टाइम ज़्यादा हो जाता। तो बस अभी कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए तारों पे, और आज मैंने बोला चले आज ही धो लेते हैं, फारग हो जाते हैं, फिर इतने ज़्यादा एक हफ्ते बाद मशीन लगानी होती है, फिर ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, तो क्यों ना आज हम धो लें, फिर हम धो लेंगे दो तीन दिन बाद, और ये मशीन होगी फारग। और ऐसा ऐसा धूप भी चली गई है,
ये देख धूप भी चली गई है, लेकिन कम है, सूरज देखे सामने है, लेकिन अभी फिलहाल जा रही है धूप। और चले चलते अंदर। सारे बाजू आपके। मामा जी सुफियान ट्यूशन में चले गए। सुफियान अभी भी गया ट्यूशन, आप आए हो, सुफियान गया अभी ट्यूशन। तो यहाँ पे देखे जी लाइबा ने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए, और अभी मैंने इसको शर्ट चेंज की थी, और इसने सुबह कपड़े इतने सुबह भी अच्छा पानी में ही चली जाती है, इसको पता नहीं कि अभी से पानी में इसको पता नहीं गर्मी लगने लग गई है, अभी के मौसम इतना थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अभी देखे इसने सारे बाजू अपने गीले किए हुए हैं, और बस अभी मैं इसको कपड़े चेंज करूंगी, और भाई भी इसका आ गया स्कूल से, बस उसको भी खाना दूंगी, वो भी जाएगा ट्यूशन। मामा जी आपने सालन क्या बनाया है? हमने वही चने कल वाले थे उसके साथ चावल बनाए हैं, तो चावल आपने चावल खाना है या आपको पराठा बना? पराठा बना दी मुझे। चलो मैं आपको पराठा बना देती हूं। भैया को पराठा बना के देती, चलो अच्छा पहले मैं वीडियो खत्म कर लूँ। अच्छा चले जी यहाँ से मैं इजाजत चाहूंगी, अभी मामा भी चाय पियेंगी, क्योंकि मामा ने भी उठ के मुंह, अभी मैंने उठ के मुंह हाथ धोना है, और कैमरा थोड़ा ऊपर लेके जा रहा है सलमान, कैमरा तो नीचे कर लो। तो यहाँ से मैं इजाजत चाहूंगी आपसे, वीडियो कैसी लगी ऐसे रखा करो, तो यहाँ से इजाजत चाहूंगी, वीडियो अच्छी लगे ना लाइक जरूर कर दिया करे, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करे, और दुआओं में तो लाजमी याद रखा करे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताया करें, और बस अल्लाह हाफिज़।